हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने विंडो के अंदर यानी लैपटॉप या पीसी के अंदर है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन या एंड्रॉयड के जो गेम है वो कैसे यूज़ करोगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये सब बात करने वाले हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें, तभी आप है वो समझ पाओगे। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो वो शुरू करते हैं। वैसे तो विंडो के अंदर कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जिसे आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो यूज कर सको, लेकिन एक बेस्ट सॉफ्टवेयर है का नाम है ब्लू स्टेक। ब्लू स्टेक नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है जो आपको विंडो के अंदर है वो इंस्टॉलेशन करना होता है। वो विंडो के लिए होता है 32 बिट। यदि आप विंडो सिस्टम यूज कर रहे हो तो 32 बिट के लिए भी आपको मिल जाएगा। यदि आप 64 बिट विंडो सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो 64 बिट के लिए भी अवेलेबल है। बाकी आप गूगल पे सर्च करके ब्लू स्टेक नाम से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप विजिट कर सकते हो www.bluestack.com पे, या आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो डायरेक्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ब्लू स्टेक डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में जाना है और वहाँ पे लिखना है www.bluestack.com। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, वो इस तरीके से वो ओपन होगी। तब आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ समय के लिए वेटिंग करना है, फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि डाउनलोड है वो शुरू हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही डाउनलोड होता है वो आपकी नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। तो मेरे जैसे नेट की स्पीड है उस पे वो डिपेंड करेगा कि कितने समय में डाउनलोड हो। तो ये ज़्यादा नहीं है, 163 KB का है। उसके बाद नेट से उसकी जितनी भी अपलोडिंग होगी वो नेट से होगी। तो वो भी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा दिखाऊँगा। तो ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसके बाद जो आगे का जो भी लेवल आता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा। तो अभी तो जैसे डाउनलोड हो रही है, मैं इसको रन करूँगा, रन करते ही फिर आपको दिखाऊँगा। तो ये डाउनलोड हो गई, मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगा, तब ये जो सेटअप है वो रन हो जाएगा और यस का ऑप्शन आएगा तो मैं यस भी कर दूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली उसको अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में इंस्टॉलेशन करना है। ध्यान रहे, नेट है वो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं इंस्टॉलेशन कर दूंगा। तो आप देख रहे हो कि अभी मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक करूँगा तो ये सारा का सारा सिस्टम है वो नेट से कनेक्टेड होगा, और नेट है वो आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो अब मैं इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा। जैसे इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा तो आप देखोगे कि ये नेट से वो कनेक्ट हो जाएगा और सारा का सारा काम है वो नेट से होगा। तो अब मैं इंस्टॉलेशन कर देता हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपकी स्पीड वेट अच्छी होगी, बढ़िया होगी, तो ये बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। यदि आपकी नेट की स्पीड स्लो है तो ये स्लो चलेगा। तो जैसे नेट पे ही डिपेंड करता है सब कुछ। यदि आपका नेट बेटर है तो आपकी स्पीड भी है वो बेटर ही आएगी। अब ये इंस्टॉलेशन हो जाता है, मेरी थोड़ी नेट की स्पीड स्लो है तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगा। अभी भी इंस्टॉलेशन हुआ नहीं है, जैसे ही कंप्लीट होता है मैं आपको चेक करवा दूंगा। अभी भी इंस्टॉलेशन है वो चल रहा है। अब देखिए इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट होने वाली है। जैसे इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो जाएगी तब इसके अंदर ड्राइव में के ये अंदर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप देख रहे हो कि डाउनलोड है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सेटअप है वो पीसी के अंदर है वो इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया है। तो पीसी के अंदर जो सेटअप है वो इंस्टॉल होते समय कुछ टाइम लेगा। तो ये अब पीसी के अंदर लगभग वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, डाउनलोडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं, चल के देखते हैं डेस्कटॉप पे कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद में डेस्कटॉप पे हमें क्या दिखता है। तो डेस्कटॉप पे चलते हैं और चेकआउट करते हैं।
वैसे ये अपने आप ही रन हो जाएगी फाइल, वैसे आपको डेस्कटॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए रन हो रही है, तो जैसे ही रन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे आप अपनी आईडी और साइन अप कर सकते हो, और यहाँ से जैसे अपने मोबाइल के अंदर करते हैं प्ले स्टोर में, तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आईडी साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन बता रहे हैं, यहाँ से आप ये कर सकते हो। अब आपको कोई भी, जैसे मान लो कि मेल, आपको कुछ भी एंड्रॉयड ऐप है वो डाउनलोड करनी है, वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आपके सब पहले से ही है तो प्लस का निशान लगा के आप वो उसको इंस्टॉलेशन करके अपने पीसी या लैपटॉप में यूज़ कर सकते हो। गेम हो या जो भी आपके पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो उसको आप यहाँ से बहुत ही ईजीली यूज़ कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में एंड्रॉयड एप्लीकेशन या गेम या कोई भी आप एंड्रॉयड की ऐप है वो यूज़ करते हो, वो इस प्रकार से आप बहुत ईजी तरीके से वो अपने लैपटॉप में या पीसी के अंदर है वो यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। अब सब्सक्राइबर बटन वाले के साथ आप क्या तोड़फोड़ करते हो मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब है वो हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।